दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज पहला T20 का मुकाबला, और इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, तूफानी विस्फोटक शेर आप सभी को बता दें दोस्तों अभिषेक शर्मा, तो वहीं रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीकी की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। हमारी भारतीय टीम दोस्तों आप सभी को बता दें 3 टेस्ट मुकाबले न्यूजीलैंड से हारी, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और खुशी से झूम रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को शायद यह नहीं पता था कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर T20 मुकाबले में तुम्हारी खबर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच जब पहले T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाज करने के लिए कूद पड़े। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का ठोक दिया, पहले ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, पहले ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का संजू सैमसन ने फिर ठोक दिया, पहले ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में दूसरे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर तोड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया, दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर चौका ठोक दिया और दूसरे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जम करके दौड़े थे। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर मैदान पर काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर जब अभिषेक शर्मा आउट हुए 31 रन ठोक करके तो मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। शिवम दुबे ने दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया, तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर चौका ठोक दिया, शिवम दुबे ने तीसरे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद शिवम दुबे और संजू सैमसन ने काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू की, जहां पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कगेसुर रबाड़ा काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया, चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों 41 रन ठोक करके भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर संजू सैमसन कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों, संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं दोस्तों पांचवें ओवर की पहली बॉल पर 28 रन ठोक करके शिवम दुबे आउट हुए। शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश रेड्डी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का तूफान आया। नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें दोस्तों नीतीश रेड्डी ने पांचवें ओवर की छठी बॉल पर छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या ने दोस्तों छठे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, छठे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, हार्दिक पांड्या ने छठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक नीतीश रेड्डी को दी। नीतीश रेड्डी ने छठे ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को
करके धो रहे थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, यहां पर सातवें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक ने छक्का ठोक दिया, सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक नीतीश रेड्डी को दी। नीतीश रेड्डी ने सातवें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन गगन चुमती छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। आठवें ओवर की पहली बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों 38 रन ठोक करके आउट हो गए। जैसे ही नीतीश रेड्डी आउट हुए, मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो वहीं दोस्तों आठवें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या दोस्तों क्लीन बोल्ड हुए, जहां पर हार्दिक पांड्या 41 रन ठोक करके जैसे ही आउट हुए, मैदान पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का तूफान आया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका की टीम को इस कदर धोया कि मानो तूफान आ गया हो। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने नवें ओवर की बची छः गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बल्कि लगातार छः गेंदों पर गगन चुमती छः छक्के ठोक दिए। मैदान पर नवें ओवर की छः गेंदों पर लगातार छः छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ एक अपना ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के तूफानी शेरों का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने दोस्तों 11वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक सूर्य को दी। सूर्य ने 11वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन गगन चुंबती छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का साउथ अफ्रीका के गेंदबाज जोर लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोस्तों, कुछ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोक रहे थे और साउथ अफ्रीका के तेज खूंखार विस्फोटक गेंदबाज कगेश्वर रवाड़ा की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। साउथ अफ्रीका के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के आगे बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान सा आ गया हो। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने दोस्तों 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर रिंकू सिंह ने दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी और 14वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन दिया। तो वही दोस्तों 14वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगन चुंबती छक्का सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन दिया और स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबती छक्का छोड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव पहले टी20 मुकाबले में तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी जैसे पांच खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज को आउट करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी ज्यादा खुशी से झूम रहे थे, उछल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम भारतीय टीम को पहला टी20 का मुकाबला बड़ी आसानी से हरा देंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और दोस्तों रिंकू सिंह जैसी आंधी मैदान पर आने को बाकी थी और जब ये दो शेर मैदान पर बल्लेबाजी करने के उतरे तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा दिए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दोस्तों 16वें ओवर के बाद 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के, 3 चौके ठोक दिए।
लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने छक्का ठोक दिया, 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने फिर छक्का ठोक दिया, 18वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए स्ट्राइक अपने पास रखी, 18वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। 18वें ओवर तक 100 रन पूरे कर दिए और सूर्य कुमार यादव ने 112 रन पूरे कर दिए और अभी भी भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेयर नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के और एक चौका सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने 20वें ओवर तक जाते आते साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया और पहले T20 मुकाबले में इतने रन ठोक दिए कि साउथ अफ्रीका की टीम चाहकर भी इतने रन पूरे नहीं कर पाएगी। साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और जब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी तो साउथ अफ्रीका की टीम को लग रहा था कि अब मुकाबला ये बड़ी आसानी से जीत लेंगे। भारतीय टीम की तरफ से हर्षदीप सिंह पहला ओवर लेकर के गए जहां पर हर्षदीप सिंह ने सिर्फ 7 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल ने सिर्फ 3 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मयंक यादव ने पूरा का पूरा ओवर मिडिल निकाल दिया। भारतीय टीम के तूफानी घातक खूंखार विस्फोटक गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर 11 रन देते हुए एक विकेट चटका दिया। हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को पहला विकेट हासिल कराया। यहां पर दोस्तों 5वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने 5वें ओवर की चौथी बॉल पर एक विकेट चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर गेंदबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। साउथ अफ्रीका के तूफानी से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों के सामने गेंदबाजी करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर डट कर गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के तूफानी से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जैसे परेशान थे लेकिन अब साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। T20 मुकाबले की अगर बात होती है तो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर गए हर्षदीप सिंह ने एक विकेट चटका दिया। 8वें ओवर तक जाते आते 5 विस्फोटक बल्लेबाजों को भारतीय टीम के शेरों ने ढेर कर दिया लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाज काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे जिन्होंने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाज मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तो वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यहाँ पर मयंक यादव ने दोस्तों 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए दोस्तों 17वें ओवर तक पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को ढेर कर दिया और यहाँ पर दोस्तों पहला T20 का वार्म अप मुकाबला जीत लिया। दोस्तों भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला 8 नवंबर को यानी कि कल खेला जाएगा। आप लोग इस तरह से दुआएं कामना बनाए रखिए कि रियल मुकाबला हमारी भारतीय टीम जरूर जीते। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I'm